की बड़ी खबर, क्या है राहुल गांधी की न्यूनतम आमदनी गारंटी योजना। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ की एक रैली में सोमवार को कहा था कि आम चुनाव के बाद अगर उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो सरकार न्यूनतम आमदनी योजना शुरू करेगी। राहुल गांधी ने कहा कि हमने निर्णय लिया है कि हिंदुस्तान के हर गरीब को 2019 के बाद कांग्रेस पार्टी सरकार गारंटी करके न्यूनतम आमदनी देंगी। इसका मतलब यह है कि देश के हर गरीब के बैंक अकाउंट में न्यूनतम आमदनी आएगी। हिंदुस्तान में न कोई भूखा रहेगा और न कोई गरीब रहेगा। यहाँ हम छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और हर राज्य में करेंगे। न्यूनतम आय गारंटी पर राहुल गांधी का ये वादा कितना सच है? राहुल गांधी ने सोमवार को छत्तीसगढ़ में आयोजित अपनी किसान रैली में लोगों से यह वादा किया है कि 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद अगर सरकार बनी तो वह सभी गरीब के लिए एक न्यूनतम आमदनी सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने कहा कि ऐसा होता है तो देश में न कोई भूखा रहेगा न कोई गरीब रहेगा। उन्होंने कहते हुए वादा किया कि दुनिया की किसी भी सरकार ने ऐसी कोई स्कीम लागू नहीं की है, पर यह पूरी तरह से सच नहीं है। अपने भाषण में राहुल गांधी ने जिस योजना का जिक्र किया है वो वर्तमान में कई देशों में चल रही कल्याणकारी योजनाओं से मिलती जुलती है। ब्राजील बेलसा फैमिलिया लैटिन अमेरिका देश ब्राजील ने 2003 में ऐसी एक स्कीम शुरू की थी। इस स्कीम के तहत सभी गरीब परिवार की सरकार भत्ता देती है। इस स्कीम का नाम बेलसा फैमिलिया है और ब्राजील में इसे एक सफल स्कीम माना जाता है। आंकड़े के अनुसार इससे ब्राजील में गरीबी काफी कम हो चुकी है। अभी तक राहुल गांधी को इस स्कीम के बारे में पता नहीं है और कह दिया घोषणा। तो खबरों में आज के लिए इतना ही। MNS न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए MNS हिंदी ऐप आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल।